गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्टिंग, जिसमें हम डायरेक्टिंग के फोर एलिमेंट्स यानी फोर पिलर्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। वो फोर एलिमेंट्स हैं सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स, सुपरविजन पर हम डिस्कशन कर चुके थे, अभी मोटिवेशन हमारा चल रहा था, तो हम मोटिवेशन के फीचर्स कर चुके थे। आज हम मोटिवेशन के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मोटिवेशन कितने तरह का होता है। स्टूडेंट, मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक तो फाइनेंशियल मोटिवेशन और एक होता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन यानी कि इंसेंटिव। हम किसी भी एम्प्लॉय को इस इंसेंटिव्स के थ्रू ही हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है मोटिवेट करने का, क्योंकि अगर एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा तो फिर वो बहुत अच्छे से वर्क परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो उसको हम दो तरह से इंसेंटिव्स दे सकते हैं, तो हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकते हैं और दूसरे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन हम दे सकते हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम मनी हैज बिकम ए मीन टू सेटिस्फाई द फिजिकल नीड ऑफ डेली लाइफ एंड ऑल्सो द ऑब्टेनिंग सोशल पोजिशन एंड पावर। जैसे ही आज की डेट में हम जानते हैं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से हमको सोशल स्टेटस भी मिलता है, पोजिशन भी मिलती है और पावर भी मिलती है, और ये बात सही भी है। तो अगर हम किसी को फाइनेंस के थ्रू यानी पैसे के थ्रू हम मोटिवेट कर सकते हैं तो करने में कोई बुराई भी नहीं है। सिंस मनी हैज द परचेजिंग पावर, इट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेंटिव फॉर एवरी इंडिविजुअल। मनी परचेजिंग पावर है, जिससे कोई भी आदमी कुछ भी खरीद सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है या इंसेंटिव किसी भी इंडिविजुअल के लिए हो सकता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रेफर्स टू इंसेंटिव्स विच आर इन द डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म ऑफ और मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म एंड सर्व टू मोटिवेट पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। कुछ ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो डायरेक्ट इंसेंटिव हैं और किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को भी बेटर कर सकते हैं। ठीक है, द इंसेंटिव्स मे बी प्रोवाइडेड ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप बेसिस। इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल को भी इंसेंटिव दिया जा सकता है या ग्रुप्स को भी इंसेंटिव दे सकते हैं, इंडिविजुअल के ग्रुप्स को भी। द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जनरली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन आर लिस्टेड बिलो। जो नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं किसी को भी मोटिवेट करने के लिए, वो क्या क्या है देखिए। नंबर वन, पे एंड अलाउंसेस, उसको सैलरी देना, सैलरी में इंक्रीमेंट देना और उनको अलाउंसेस देना। नॉर्मली अलाउंसेस कैसे दिए जाते हैं, जैसे डीए, आप लोगों ने वर्ड टर्म सुना होगा, डियरनेस अलाउंस है, हाँ, या वॉशिंग अलाउंस दिया जाता है कुछ सब स्टाफ्स को, या कुछ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस हुआ वो भी देती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलाउंस है, कैश हैंडलिंग अलाउंस है, तो ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस हैं जिनके थ्रू किसी भी मोटिवेट को, किसी भी इंडिविजुअल को हम मोटिवेट कर सकते हैं, यानी कि पे और अलाउंस के थ्रू भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, को पार्टनरशिप, नहीं सर ये तो नॉन फाइनेंशियल हुआ। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, सेकंड हो सकता है प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस इंसेंटिव्स, यानी कि आप जितना काम करेंगे उतना ज्यादा आपको पेमेंट मिलेगा, तो सभी लोग चाहेंगे कि वे ज्यादा से ज्यादा काम करें जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा सैलरी वेजेस मिले, यानी कि एक सैलरी लेवल तो फिक्स कर दिया और उसके बाद एक्स्ट्रा जितना वर्क करेंगे उनको उतना एक्स्ट्रा सैलरी या वेजेस के रूप में वो मनी मिलती रहेगी। बोनस, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम करती है, प्रॉफिट रन कर रही है, सक्सेसफुली रन कर रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए
या आगे से बहुत अच्छा काम कराने के लिए वो बोनस इशू करते हैं टाइम टू टाइम, जैसे फेस्टिवल बोनस होते हैं। अब देखा होगा कि दिवाली के टाइम पर बहुत सारी कंपनीज बोनस देती हैं, बोनस इशू करती हैं, तो उनको सैलरी के साथ साथ बोनस भी इंसेंटिव के रूप में दिया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग। एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत सारी अच्छी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को प्रॉफिट में शेयरिंग दे देते हैं, पार्टनरशिप दे देते हैं, तो उनको उनके लिए तो ये स्टेटस इंक्रीज हो जाना जैसा हुआ। इससे उनका क्या होता है, स्टेटस इंक्रीज हो जाता है, फाइनेंशियल तो उनको इम्प्रूवमेंट होता ही है, सोशल इम्प्रूवमेंट भी उनका हो जाता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग से भी ये होता है। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। स्टूडेंट, ये टर्म है स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि जो कंपनी के शेयर्स हैं उनमें पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो इसके थ्रू भी वो इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाता है। इसके बाद आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि कोई एम्प्लॉय अगर रिटायर होता है, रिटायरमेंट होने के बाद उसको बहुत सारी एडिशनल सुविधाएं दी जाती हैं। कौन कौन सी, उसको पहले से बता दिया जाता है कि आप जब रिटायर होंगे तो आपको दिया जाएगा, जैसे प्रोविडेंट फंड है, आपने पीएफ सुना होगा, पेंशन, ग्रेच्युटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर द रिटायरमेंट, दिस एक्ट एज इन द इंसेंटिव व्हेन दे आर इन सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस कर रहे होते हैं तो उनको अगर ये इस तरह के पेंशन वगैरह ये सब चीज़ें की फैसिलिटी दे दी जाए तो एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के थ्रू भी दिया जा सकता है। देन परक्विजिट्स, इन मैनी कंपनीज परक्विजिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट आर ऑफर्ड सच एज कार अलाउंस, हाउसिंग, मेडिकल एड, एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ओवर एंड अबव द सैलरी, तो इस तरह से कुछ और भी फैसिलिटीज परक्विजिट्स यानी अनुलाभ दिए जाते हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की सुविधाएं भी देती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।